एंकर इटोटोंग जिले में होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 12 पर हो रहे सड़क हादसे फिलहाल थमते नजर नहीं आ रहे। आज तड़के सुबह 3:30 बजे स्लीपर बस और ट्रोले के बीच भीषण भिड़ंत से बस में सवार 23 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से बस के शीशे हटाकर अंदर फंसे हुए घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से सअद हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां करीब आधा दर्जन यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि आधा दर्जन के करीब यात्रियों की हालत करीब गंभीर होने के कारण जयपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल 6 यात्रियों को टोंग के सादत अस्पताल के उपचार जारी है। दरअसल हादसा उस समय हुआ जब जबखंड ट्रेवल्स कंपनी की निजी स्लीपर बस झालावाड़ से सवारियां लेकर जयपुर जा रही थी। इसी दौरान जैसे ही बस सवाई माधोपुर चौराहे पर बने फ्लाईओवर के नीचे से होती हुई गुजरी तो हाईवे पर पहुंची तो बस के आगे चल रहे ट्रोले ने बस को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के समय बस में सवार सभी यात्री गहरी नींद में सोए हुए थे। हादसे के चलते बस में बुरी तरह से चीख पुकार मच गई। राहगीरों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने स्थानीय लोगों को सहायता के से सभी घायलों को सादत हॉस्पिटल पहुंचाया। सभी पुलिस के क्रेन की सहायता से हाईवे के सर्विस रोड पर खड़े क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू कराया। और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि देश दुनिया की बड़ी खबर तक आप पहुंचे सबसे पहले।